Welcome to Shanti Kunj online classes. Let's continue with our brain drill exercise from the chapter Nutrition in Plants. Let's start with the option. Give reasons for the following. First is, lichen is a living partnership of a fungus and an algae and beneficial to both. हमें ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको रीजन करना है. चलिए देखते हैं. हमारा क्वेश्चन है, लिकेन इज अ लिविंग पार्टनरशिप ऑफ अ फंगस एंड एन एल्गी एंड बेनिफिशियल टू बोथ. हमें इस चीज को, इस स्टेटमेंट को रीजन करना है. तो आप इसके रीजन में लिखेंगे, सम टाइम्स टू ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन एंड डेवलप अ रिलेशनशिप दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ. यानी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, जो एक दूसरे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं. द फंगस अब्जॉर्ब्स वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर. फंगस क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व करता है और शेल्टर देता है. और एल्गी प्रिपेयर्स फूड फॉर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. और एल्गी क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये आप जो डी का फर्स्ट है उसमें आप यहां तक लिखेंगे, ठीक है. सेकंड देखते हैं, मशरूम इज अ सेप्रोट्रॉफ. इसको रीजन करें. मशरूम इज अ सेप्रोट्रॉफ, इसको हम लिखेंगे, मशरूम इज अ सेप्रोट्रॉफ बिकॉज इट हैज नो क्लोरोफिल टू मेक इट्स ओन फूड. क्योंकि मशरूम के पास क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपना खुद का भोजन नहीं बना पाता है. सेकेंडली, ये डेड और रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. सो इट ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स एंड टेक देयर फूड फ्रॉम देम. और उनसे अपना फूड ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है. आप सेकेंड, डी का सेकेंड में इतना लिखिएगा. अब देखते हैं थर्ड, द लीफ ऑफ अ प्लांट विल डाई इफ इट्स स्टोमेटा आर ब्लॉक्ड. इट्स स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं बच्चों. डी का थर्ड, इसका आप लिखेंगे यहाँ पे, देखिए, द लीफ ऑफ अ प्लांट विल डाई इफ इट्स स्टोमेटा आर ब्लॉक्ड. क्यों, इसका रीजन है, द लीफ ऑफ अ प्लांट विल डाई इफ इट्स स्टोमेटा आर ब्लॉक्ड बिकॉज द प्लांट कैन नॉट टेक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर. ठीक है, स्टोमेटा जो स्मॉल ओपनिंग होती है, होल्स होते हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो ऐसे में जो गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसको एक प्लांट एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाता है और जिस वजह से लीफ जो है प्लांट से नीचे गिर जाती है. ठीक है बच्चों, आज के लिए हम बस ये डी वाला पार्ट ही करेंगे. इसे आप अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखिएगा. तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित.